अस्सलामु अलैकुम माय यूट्यूब फ़ैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। जैसा कि बढ़ती हुई उम्र के साथ साथ आपने अपने चेहरे का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना होता है, तो उस हिसाब से मैं आज आपके लिए एक रेमेडी लेके आई हूँ जो कि बहुत ज़्यादा स्पेशल है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने यहाँ पर एक अंडे की जर्दी ले ली है, एग योक, और उसके बाद हम इसमें डालेंगे 1 टेबल स्पून चावल का आटा। और चावल का आटा डालने के बाद हम इसमें डालेंगे 1 टेबल स्पून ही दही का। और इन तीनों चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। बस ये तीन ही चीज़ें लेंगे जो आपके किचन में इजीली मौजूद होंगी। इसके इस्तेमाल से जो है आपकी स्किन पे बहुत ज़्यादा शाइन आएगी, आपकी स्किन चमकदार हो जाएगी और आपकी स्किन पे जो झुर्रियाँ पड़ रही हैं वो ख़त्म होंगी। और इसके अलावा आपके जो चेहरे पे दाग धब्बे हैं वो ख़त्म होंगे। तो यहाँ पे अच्छे तरीके से हमने इसकी मिक्सिंग कर ली थी और यहाँ पे मैं आपको अपने हाथ पे अप्लाई करके बताऊँगी। सेम इसी तरीके से आपने अपने फेस पे अप्लाई कर लेना है। तो हल्के हाथ की मदद से पूरे फेस पे आपने इसे लगा लेना है और तकरीबन आपने इसे 15 मिनट लाजमी लगे रहने देना है। और हफ्ते में आपने इसे तकरीबन 3 बार तो लाजमी इस्तेमाल करना है, तब भी आपको इसके अच्छे रिज़ल्ट मिलेंगे। तो यहाँ पे मैंने अपने हाथ पे लगा लिया था और अब मैं इसे 15 मिनट के लिए लगा के छोड़ दूँगी। तो 15 मिनट के बाद ये थोड़ा सा ड्राई हो जाएगा, तो इसे आपने नॉर्मल पानी से जो है वॉश कर लेना है। तो आप देख सकते हैं कि 15 मिनट के बाद ये थोड़ा ड्राई हो गया था, तो अब मैं इसे वॉश करके बताऊंगी आपको। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कितने अच्छे रिज़ल्ट आए हैं इसके, काफ़ी ज़्यादा शाइन आ गई थी। और हमेशा मैं आपको अपनी वीडियो में बताती हूँ कि जो हाथों की और चेहरे की जो स्किन होती है वो डिफरेंट होती है। तो जब आप इसे अपने चेहरे पर लगाएंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे रिज़ल्ट मिलेंगे और आपकी जितनी भी चेहरे की झुर्रियाँ पड़ रही हैं वो ख़त्म होंगी। एक बार इस्तेमाल से आपको फ़र्क नहीं पड़ेगा, जब आप इसको रेगुलर इस्तेमाल करेंगे तो तभी आपको इसके अच्छे रिज़ल्ट मिलेंगे। तो आई होप कि आपको मेरी आज की ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो मिलते हैं न्यू वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।